property, that's from this area. इतना बढ़िया संदेश आया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। एक आदमी जा रहा था, रास्ते में शमशान पड़ा। शमशान में उस समय एक डेड बॉडी लाई गई जलाने के लिए। तो वो व्यक्ति उस डेड बॉडी के पास गया और डेड बॉडी से कहने लगा, वाह इतने चैन से सो रहे हो, इतनी शांति है तुम्हारे जीवन में, कितने चैन से सो रहे हो। दो तीन बार उसने कहा तो डेड बॉडी बोलने लगी और कहने लगी, सो मैं नहीं रहा हूँ, सो तो तुम लोग रहे हो। मैं तो सोए हुए की सजा भुगत रहा हूँ। वो डेड बॉडी कह रही है, मैं तो सोए हुए की सजा भुगत रहा हूँ, सोया मैं नहीं हूँ, सोए तो हम लोग। हाँ बताओ भाई, हम लोग सोए क्या कहें, किसे कहें? ठीक है, किस लिए आए हैं और यहां आकर के हम एक क्षण को भी तथा प्रसन्न नहीं बैठे। पहले तो हमको ही बैठना पड़ेगा, बाद में कथा सत्संग हमारे अंदर बैठेगा। और हम ही नहीं बैठेंगे तो कथा सत्संग हमारे अंदर कैसे बैठेगा? मक्खी आग पर बैठती नहीं है। स्वामी महाराज कहते थे, मक्खी आग पर बैठती नहीं है, लेकिन अगर आग पर मक्खी बैठ जाए तो उसका धुआं हो जाता है। ये तो एक पक्ष है, हम उसको ज्यादा महत्व नहीं दे रहे हैं, लेकिन अति प्रसन्नता भी है। अति प्रसन्नता भी है इस बात से, कई ऐसे लाडवे आए हैं जो घरे ही प्रथम बार आए हैं, लेकिन जितनी रुचि दिखा रहे हैं कथा में, सत्संग में, कीर्तन में, तो मन में एक संतोष भी है। चलो एक नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, अनेक आ रहे हैं। अभी भी इस समय भी अगर कमरों में जाके देखा जाए तो लोग सो गए। आज प्रातः काल सत्संग में हम कमरों में खूब गए थे, सब कमरों में। सब कमरों में गए थे हम, फोड़ ओढ़ के सो गए थे। और किससे कहें? इसलिए आए यहां कथा सत्संग में बैठकर कोई क्रीम पाउडर दर्पण कंघी निकाल करके अपना श्रृंगार करने लग जाए कोई मां, तो क्या कहेंगे उसके पड़ोस में बैठने वाली? सरकार ये जगह कोई श्रृंगार करने की है? कहीं नहीं देंगे बताओ। और हम जनकपुर में आकर के सो रहे हैं 7 बजे तक। आप बताओ ये जगह सोने की है कि हम जगने आए हैं? बताओ बताओ। और ये देखिए अपना ये देखिए इनका भाव, देखिए नहीं। आप उनकी इससे विचित है,
स्वामी रुद्र जी ने भी भगवान की परीक्षा ली। अरे भक्त भी तो भगवान को प्रश्न जी पर कसते करवा रहे थे और भगवान ने वो बाण धनुष पर चढ़ाया तो विश्वामित्र जी ने कहा राघव मारना नहीं प्रभु ने कहा सुदेव क्यों नहीं मारे बोलिए स्त्री आप महाभारत की कथा सुनिए पितामह उसके ऊपर बाण नहीं चलाते थे जो जानते थे पिछले जन्म में ये क्या नाम था उसका बाण नहीं चलाना। भगवान ने ऐसा सुंदर उत्तर दिया सुनकर प्रसन्न हो गए गुरुदेव गुरुदेव ये जो सामने खड़ी है ना आप कह रहे हैं उसको मारना नहीं मैं कह रहा हूं ये भले ही स्त्री है लेकिन आतंकवादी की कोई जाति नहीं होती है इसको तुरंत मारूंगा और छोड़ूंगा नहीं। आतंकवादी है एक ईमान
एक सावधानी का परिचय दिया, कहा
राघव तुम्हारे पिताजी ने माता दशरथ ने मुझे यज्ञ की रक्षा करने के लिए तुमको मेरे साथ भेजा है। और गुरु जी हम भी यही कह रहे हैं आप कह रहे यज्ञ की रक्षा होगी, भगवान कह रहे यज्ञ की रक्षा होगी तो विश्वामित्र जी कह रहे हैं एक यज्ञ की रक्षा तो हो गई, अभी एक यज्ञ और बाकी है। मेरे अंदर कोई सामर्थ्य नहीं है,
सुखदेव ने कहा राघव तुम इतना कर लो इनको केवल अपने चरण की रज प्रदान कर दो। तो देव ऋषि पत्नी है ब्राह्मण पत्नी है मैं ऐसा नहीं कर सकता। गुरुदेव कहने लगे देखो तुम्हारे जो पूर्वज है ना जो खेल और जो है वो सब के सब ब्राह्मणों को गज दान करते थे और हम तो तुमसे केवल रज दान करने के लिए कह रहे हैं। मानस के हिसाब से तो भगवान ने चरण रज प्रदान कर दी लेकिन रामायण सतकोटि महालीय महेश जी जान। एक भाव संतों का ये भी है कि भगवान ने उनको रज नहीं दी एक हवा का तेज झोंका आया और भगवान के चरण से रज उड़ी और उड़ करके उस शिला पर गिरी और शिला में से माता अहिल्या प्रकट हो गई है। आपने चित्र देखा होगा दर्शन का माता अहिल्या हाथ जोड़ करके भगवान के चरणों में पड़ी। प्रभु बड़ी कृपा कर दी आपने एक बार चाहती हूं कितनी कृपा और कर दो उसका पुत्र जी के हृदय में कितनी प्रसन्नता होगी इस समय। भगवान के इस रामचरित्र में एक माता जी ये मिली है अहिल्या और एक माता जी मिली है वनवास के बाद माता जी का हरण हो गया है तब जिनका नाम है सबरी। और एक माता जी और मिली है कौन सी है अनसुईया। पुरानी चलो अभी हमारे ध्यान से उत्तर रहिए बता देने भी आ जाएंगे। तीन मिली और इन तीनों में भी अहिल्या जी का श्रृंगार भगवान ने किया है सबरी मैया की गोद भगवान ने भरी है। तीनों माताएं बस यही प्रतीक्षा कर रही थी कब राघव आएंगे। भगवान ने कहा मां ये तो मुनि ने अच्छा नहीं किया तुमको साथ दे दिया हाथ जोड़कर कह दिया जी क्या कह रही है मुनि साथ जो दीना कर रही हूं ये सौभाग्य मुझे कहां मिलता है।
महाराज जी आप प्रातःकालीन यहाँ पे लाने थे, भगवान संतों को जो लाभ मिला दर्शन का, वो अहिल्या जी को मिला, और भगवान शंकर के पास जो भगवान का नाम रूपी संपत्ति है वो हम सबको मिली हुई है, राम नाम हम सबको मिला है, सबको मिला है। भाई जिस समय भगवान वहां गए लंका में, पहले आपको सुना भी चुके हैं, लेकिन बहुत आनंद वाला प्रसंग है। तो वो पुल बनाने में वो गिलहरी की सेवा करते थे, तो बंदर भाई बड़े बड़े पहाड़ पर्वत पत्थर ला रहे हैं, मैं भी सेवा करूं, तो वो गिलहरी छोटा सा तिनका लेकर के आती और तिनका सागर के जल में छोड़ देती। खाली तो महावेग में सेवा करो, फिर किया। हनुमान जी बड़े बड़े पहाड़ पर्वत लेकर आ रहे थे, तुम्हारा जल्दी जल्दी में उस तिनका ले जाने वाली गिलहरी की पीठ पर हनुमान जी का पैर पड़ गया। और हनुमान जी और वो भी पहाड़ लिए हुए और गिलहरी के ऊपर राम व्याकुल तड़प, भगवान ये दृश्य देख रहे थे। भगवान ने उस गिलहरी को बड़ा स्नेह से लाड़ प्यार किया, अपने हाथ में लेकर उसके ऊपर बहुत लाड़ प्यार किया, बहुत कहा वो गिलहरी हनुमान ने क्या प्राप्त किया है, हमने हम बता हनुमान को क्या दंड क्या सजा दूं। गिलहरी बोली, प्रभु आप मुझे ये बताओ कि मैं जो कह दूंगी वही सजा दोगे ना। बोले हाँ वही दूंगा, मैं अपनी मर्जी से भी सजा दे सकता हूँ, लेकिन तेरा अपराध किया है तू कहेगी वो सजा मैं दूंगा। हनुमान गिलहरी ने कहा, जैसे आपने मुझे अपने हाथ में लेकर लाड़ प्यार कर रहे हो ना, ऐसे ही हनुमान को अपनी गोद में बिठा कर उनके ऊपर भी लाड़ प्यार करो। भगवान को बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे तू मर गई होती और जिसने तेरा अपराध किया है तू उसको ये बताया। ये हनुमान जी के चरण का ही प्रभाव है कि मैं आपके हाथ में हूं, अगर हनुमान जी का चरण मेरे ऊपर नहीं पड़ता ना तो मैं आपके हाथ में नहीं होता। ये संत धर्म का प्रभाव है, संतरण का प्रभाव है, भक्तरण का प्रभाव है, भगवत लाडले वैष्णव जन का प्रभाव है। आप ये प्रसंग वहां देख लीजिए, गर्भ ग्राह के प्रसंग, वहां भी एक प्रसंग ग्राह का उद्धार भगवान ने पहले किया और गज का उद्धार भगवान ने बाद में किया, और पूछने पर भगवान ने यही तर्क दिया, मैं अपने भक्त का उद्धार बाद में करता हूँ, लेकिन मेरे भक्त के जो चरण पकड़ता है उसका उद्धार मैं पहले कर देता हूँ। ये भगवान कभी अहिल्या ने भगवान की बहुत, आज भगवान आज विश्वामित्र जी ने राम जी के सिर पर हाथ घुमाया, हाथ घुमाकर के कहा बोले तुम राम भी हो, तुम राजा राम भी हो, तुम राघव भी हो, तुम रघुपति भी हो, लेकिन आज एक नया नाम तुम्हें दे रहा हूं। विश्वामित्र जी ने कहा बोले क्या दे रहे हो देव, बोले तुम पतित पावन भी हो। रघुपति राघव Yeah.
और आगे चले तो गंगा भी आ गई। बोलो गंगा मैया की जय, राम लक्ष्मण मुनि संगा राजा भक्तरी का गुरुदेव
जो आप ढूंढ रहे हो वो कम नहीं है, जो आप ढूंढ रहे हो वो अब नहीं है। गुरु जी बोले पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया, ये ढूंढ रहा था कि अब नहीं है। इसका मतलब ये भी एक अहंकार है कि मुझे अहंकार नहीं है, ये भी एक सूक्ष्म अहंकार है। मैं बहुत कथा सुनता हूँ, मैं बहुत सत्संग करता हूँ, मैं बहुत नाम लेता हूँ, मैं बहुत धाम की यात्रा करता हूँ। अगर ऐसा भले ही सात्विक अहंकार भी हमको है तो भेड़िया चाहे लोहे की हो चाहे सोने की हो वो भी बांधने का काम करते हैं। अब भगवान का मन अयोध्या जाने का नहीं है, भगवान गुरु जी से कह रहे हैं। गुरु कहे तो जनकपुर होते चले Oh,
भूलू नहीं। गुरु जी से कहा गुरुदेव आपने ही तो कहा था धनुष यज्ञ हो रहा है वहां, और अब आप बीच में से लौटने की क्यों कह रहे हो? धनुष यज्ञ हो रहा है, चलो गुरुदेव वही चलते हैं। गुरुदेव तो ये चाहते आगे चले हैं और जनकपुर के निकट पहुंच गए हैं। हम और आप तो जनकपुर में बैठे हैं और गुरु जी और राम लक्ष्मण दोनों जनकपुर के निकट आ गए, पास में आ गए। और माता जी से मम्मा और बाप तो डैड,
हम अपना रहे हां गायत्री मंत्र वो अफ्रीका के वो बच्चे वो वहां हमारा अंग्रेजी संस्कृति के बच्चे वो लपर पकड़ रहे हैं और हम और आप नारायण नारायण मन को शांति मिलती है आप देखो लोगों को भाषा हमारे मन को शांति मिलती है यहां आने से इसलिए आप